नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मिक्स पंच विद सुपर्णा। जो कि मैंने पहले ही कहा था, मेरा ब्लॉग चैनल फाइनली आ चुका है। ब्लॉग चैनल का नाम यहाँ पर मेंशन है, तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो। तो कोशिश करूंगी कि मैं डेली ब्लॉग वहां पर अपलोड कर सकूं। तो यस, वहां पर होगा बहुत सारे गपशप या डेफिनेटली आपस में होगा बहुत सारा बात, लेकिन उस टाइम नहीं होगा बिग बॉस के लिए बात। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो मेरा ब्लॉग चैनल, और बिग बॉस रिलेटेड जानकारी के लिए यस सब्सक्राइब माय चैनल मिक्स पंच विद सुपर्णा। फेसबुक से देख रहे तो डू लाइक एंड फॉलो। तो चलो बात करते हैं चाहत पांडे के बारे में और शिल्पा शिरोडकर के बारे में। देखो, बिग बॉस OTT तो हो गया खत्म बहुत दिन पहले। बिग बॉस 18 तो स्टार्ट हो चुका है, 2 हफ्ता हो गया। तो ये सेकेंड वीकेंड का वार था। सबसे पहले तो आप लोग बताओ, आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस 18? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, जरूर कमेंट करके बताना। चलो अब आते हैं बात पे, मुद्दे पे। जो लोग भी फॉलो कर रहे हो बिग बॉस 18, उन लोगों को तो काफी ज्यादा अच्छे से पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो लास्ट वीकेंड के वार पे एक बात उठा था करणवीर एंड चाहत पांडे के लेकर। मुझे तो बिल्कुल इन दोनों का कपल तो समझ नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगा। चाहत है शायद 25-26 की और करणवीर है 40-45 साल का। ऊपर से 2-3 शादी था उसका, डिवोर्स भी है। आई डोंट नो कि वे कंपैरिजन हो रहा है। और चाहत पांडे को इसके खिलाफ मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। अगर मैं उसकी जगह होती तो मैं स्टैंड लेती कि ये सब फालतू का मजाक मत करो, क्योंकि वो वाहियात मजाक है। लेकिन जो भी हो, ये जो मजाक उठा था उसके लिए, अगर आप लोगों को याद है, वीकेंड का वार संडे वाले एपिसोड पे बाहर बैठे थे शिल्पा जी, करणवीर, हेमा एंड श्रुतिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहां पर बात उठा चाहत पांडे और करणवीर को लेकर। वहां पर हेमा को, हेमा ने बोला कि हाँ, चाहत को तो शादी करना है और वो मुझे ही बोली थी कि उसको लिए लड़का देखो, तो शायद इसी बात को उठाया गया। तो वहां पर करणवीर को ना मजाक मस्ती चल रहे थे। वहां पर शिल्पा शिरोडकर मैम का, मतलब वो इतनी बड़ी हस्ती है, इतना सालों से काम किया, इतना सीनियर है, लेकिन उनका बिहेवियर मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। उसने कहा चाहत पांडे को लेकर, यू नो, मतलब करण के साथ, यू नो, उनका ऐसे ही कुछ रिएक्शन था, जिससे डेफिनेटली बहुत लोग बहुत ज्यादा अपसेट है कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस एक दूसरी एक्टर जो कि उनसे शायद उनकी बेटी की उम्र की होगी, ऐसे डिसरेस्पेक्ट कर रही है। और वो खुद बोलती है ह्यूमिलेशन का बात, मतलब हाउ खुद बोलते हो, अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दिया। अविनाश ने बोला भी नहीं कुछ, सिर्फ बोला था कि गुड बुक पे मत आओ। इतना बवाल मचा दिया, खाना नहीं खाना, रोना धोना, सबको जाकर बोलना, इतना कुछ किया। और नेशनल टीवी पे अब एक लड़की को बोल रही, यू नो, मतलब हाउ। तो इसके ऊपर बहुत लोग हो गए हैं बहुत ज्यादा खफा, एंड मुझे भी डेफिनेटली, मैं एक लड़की हूँ और ऐसे रिएक्शन चाहत पांडे के लिए, मैं उसको पसंद करूं ना पसंद करूं, डजंट मैटर, किसी भी लड़की के लिए मुझे नहीं लगता ये सही है इतने सीनियर एक्टर होकर। लेकिन इसमें आपको क्या कहना है, मेरे ऑडियंस को क्या कहना है, जरूर कमेंट करके बताना। और ऐसे बहुत सारे न्यूज गॉसिप के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय फॉर नाउ।